आपके माध्यम से एक चुनौती दूंगा कि 2022 का महानगर पालिका एक इतिहास रचेगा, कि 2022 का महानगर पालिका एक इतिहास रचेगा। विकास हो रहा है, मार्गदर्शन में हो रहा है, स्कूल की फीस माफ़ करवाएंगे हम, ट्रांटो नहीं आने देंगे, हमारी लाश से जाना, हमारे फांसी लगा लेंगे, सब जुमलेबाजी थी इन लोगों, ये सब टोटल फेल हो गए। अभी मैं तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ, इन्होंने डोरेमोन ने एक टीम बनाई, स्कूल के 58 स्कूलों की एक टीम बनाई। रहेगी और इस टाइम के जो बाहर आई है शायद ही कभी आएगी। 2022 का महानगर पालिका एक इतिहास रचेगा। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद काफ़ी ठंडी ठंडी पार्टियां नज़र आने लगी थी, लेकिन उसी के साथ अभी जो नगर सेवक इलेक्शन है वो जैसे जैसे नज़दीक होते जा रहा है, जैसे साल डेढ़ साल बचे ही है, लेकिन वैसे हालत में जो है कांग्रेस की पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत होती जा रही है मुंबरा शहर में। और बात कर ली जाए आज की, तो आज काफ़ी लोगों ने प्रवेश किया कांग्रेस को और कांग्रेस में आए, और इससे पहले भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था, लेकिन आज के दिन चार चांद लग गए इस प्रोग्राम में। बात करेंगे नईम खान जी से, इसे कह सकते हैं कि कांग्रेस में जो लोग प्रवेश हो रहे हैं इससे एनसीपी को बड़ा झटका लग रहा है? देखिए, झटका तो हर एक को लगेगा, एक एनसीपी की बात नहीं है, हर पार्टी को झटका लगेगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, आज हम लोग इतने 25-30 साल से नगर सेवक रहे, हम लोगों ने काम किया, जो हम लोगों ने डेवलपमेंट किया उसके बाद डेवलपमेंट किधर हुआ, और जितने डेवलपमेंट लाइन में वो सब अभी तक फेल ही है। अस्पताल नहीं बना, ये नहीं बना, गर्ल हॉस्टल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, हज हाउस नहीं बना, खाली हम लोग बोर्ड के नेता नहीं हैं, हम लोग ज़मीन के नेता, हम लोग काम करने वाले लोगों में से। और इंशाल्लाह ताला अगर हमारी कैंडिडेट जीत के आएंगे तो हम बताएंगे कि 11 साल में कुछ नहीं हुआ, वो ये 5 साल के अंदर हुए। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो ये 11 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका जो जुमला है हर जगह वो विकास और मार्गदर्शन यूज़ करते, तो ये कहीं ना कहीं फिट नहीं होता क्या आपको विकास? नहीं, देखिए, उन्होंने ज़िंदगी भर 11 साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया, आंदोलन के कोई रिजल्ट नहीं, उन्होंने आपके माध्यम से लोगों ने ये बोला कि बड़ा विकास हो रहा है, मार्गदर्शन में हो रहा है, स्कूल की फीस माफ़ करवाएंगे हम, ट्रांटो नहीं आने देंगे, हमारी लाश से जाना, हमारे फांसी लगा लेंगे, सब जुमलेबाजी थी इन लोगों, ये सब टोटल फेल हो गए। अभी मैं तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ, इन्होंने डोरेमोन ने एक टीम बनाई, स्कूल के 58 स्कूलों की एक टीम बनाई, उसमें आमदार की मिसेस भी हैं, रूता मैडम भी थी। बड़ा अफसोस होता है, आप इस्तेमाल करते हो बड़े बड़े लोगों को लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते। आपने एक आदमी की भी फीस कम नहीं कराई, आपने 15 दिन की नहीं कराई। आज स्कूल के, हम लोगों ने स्कूल के हेडमास्टर से बात करी, उन्होंने कहा हमारे ऊपर दबाव था। अब दबाव करके कहीं काम होता है क्या? दबाव करके कोई काम नहीं होता। और आपका बड़ा अफसोस है मेरे को ये बोलने के लिए, क्या आप हर चीज़ में फेल हो गए, आप कोई चीज़ में कामयाब नहीं। हाँ, अभी खाली ऑफिसों का उद्घाटन करो और दुकानों का उद्घाटन करो, इसके आगे अभी आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अभी हम लोग आएंगे जब करेंगे। हम डर की राजनीति को कांग्रेस कैसे ख़त्म करेगी? किसकी की राजनीति? डर की राजनीति, कौन डर रहा है? लोगों को डराया जा रहा है। नहीं नहीं, वो डरा है, वो थोड़ा वक्त ही है। देखिए, हर फ्राउन के ऊपर मूसा अल्लाह ने पैदा किया है, अब समझिए, अब इनका भी वक्त पैकिंग का हो गया। अभी एक नईम खान फिर दोबारा आया फील्ड में, और अच्छे लोग हैं साथ में, और लेडीज़ आज आप देख रहे हैं कि तादाद में लेडीज़ हुई, जिसके घर में लेडीज़ों का, जिस पार्टी के अंदर लेडीज़ों का आशीर्वाद हो, मेरे ख्याल से मेरी माँ बहनों का, उधर उसको तो शिकस्त का सवाल ही नहीं आता। क्योंकि मैंने देखा कि 11 साल में इन लोगों ने दूसरों को, लेडीज़ को बुलाया, पैसा दे के बुलाया, या हम बिन पैसे के हमारे साथ ज्वाइंट हो गए। आज
नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हैं आपने नासिर भाई, ये शामिल हुए, कंपाउंड से शामिल हैं, अपने कौसा से शामिल है, दीगर पीछे से शामिल है। अभी इन लोगों का इंतज़ार करके कुछ एक लेडीज चली गई क्योंकि उनको शादी में जाना था, तो एक कम से कम 25-50 लेडीज वो गई, लड़के चले गए, तो ये बात है, थोड़ा देर अवेर होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मगर मैं आपको एक आश्वासन दूंगा और आपको एक ये भी आपके माध्यम से चुनौती दूंगा कि 2022 का महानगर पालिका एक इतिहास रचेगा, मालिक नहीं चाहिए। हम आने वाले दिनों में ये भी बताएंगे, जिस तरीके से नईम खान ने एक दावा दिया है अपना, और नासिर भाई ज्वाइन हुए थे, नासिर भाई क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस को लेकर, और ज्वाइन किया क्या नया करने वाले हो? बस 20 साल में जो अभी तक कुछ नहीं हो पाया वो अभी बस ये था कि बहुत सोचने के बाद में मैंने सोचा कि अब नईम भाई का साथ देना है, और जहाँ तक जाएंगे वो वहाँ तक उनके साथ में जाना है हर जगह। बस क्या बेस्ट विशेष रहेगी आपकी नासिर भाई की? नासिर भाई जो हमारे आज जो प्रवेश हुए हैं तो उनकी एक सोच है कि हमको यहाँ पर जो है नईम भाई के साथ में जुड़ के कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना है, मजबूत करना है, और अब तक जो कुछ भी हुआ है वो आगे जो है इसको चेंजेस लाएंगे, और यहाँ के विकास जो बोलते हैं लोग कि हमने किए हैं, लेकिन वो विकास सिर्फ बोलने से नहीं होता है, नईम भाई जैसे पहले भी लोगों ने विकास किया था वही विकास आज भी चल रहा है, और आगे भी नईम भाई आएंगे तब विकास दिखने में आएगा, जिसको विकास बोलते हैं। नासिर भाई कांग्रेस में आए, मैं तो कांग्रेस में 30 साल से हूँ, और कांग्रेस में नासिर भाई आया तो मुझे इतनी खुशी हुई, और वो मेरे गली में ही रहते हैं, और मैं चाहूँगी कि उनको आगे बढ़े और अच्छे अच्छे काम करें, और उनको बताने के लिए जो बात नहीं है उनको मालूम है, बताने की जो भी बात मतलब मालूम करने का रहा तो मैं उनको मतलब गाइड करूँगी। रहा सवाल कि मैं इतनी वो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे मालूम है मैं उनको मालूम करूँगी, और रहा सवाल मेरे को तो बहुत खुशी है, और मैं यही चाहती हूँ कि हर वार्ड में एक ऐसा मजबूत वार्ड अध्यक्ष बने, हमारे पूरे मुमरा में कांग्रेस का लहरा है झंडा, क्योंकि कांग्रेस एकदम ख़त्म हो चुकी है। नईम भाई हमारे कांग्रेस में थे, पूरे मुमरा के अंदर एक कांग्रेस की लहर थी, जब उन्होंने कांग्रेस में बहुत सारी बातें हैं तो उनको कांग्रेस का मतलब उनको थोड़ी नाराज़गी हो गई और वो बैठ गए, उनके बैठने के बाद कांग्रेस एकदम ख़त्म हो गई मुमरा में। तो इंशाल्लाह अभी आने वाले कल में कांग्रेस को हम लोग इतना बढ़ाएंगे और गली गली जाएंगे और दावत देंगे कि आप कांग्रेस में आओ, क्योंकि बहुत मुसलमान हिंदू सिख ईसाई हर लोग परेशान हैं, क्योंकि अभी ऐसे माहौल चल रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर गली मोहल्ले में एक नौजवान वार्ड अध्यक्ष बने और हर गली मोहल्ले को सुधारे और उनके लिए काम करे। आने वाले दिनों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे विकास पुरुष लोगों को? विकास होगा जब कांग्रेस हमारी आएगी, हम लोग कांग्रेस वाले ऐसी शख्सियत है कि हम लोग है ना खाते हैं और खिलाते भी है, हाँ, और काम करके दिखाते हैं, हम खाली बैनर और फोटो और मीडिया ये सब हम लोग उसमें नहीं आते, हम लोग कांग्रेस वाले इतने सुलझे हुए हैं कि वो सबको लेके चलते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, हमारी हर महिला है, हमारी जितनी भी बहनें हैं मुमरा के अंदर उनके घर घर जाकर हम उनको भी बोलेंगे कि आप लोग सब मिलकर, मेरे अकेले से तो कुछ होना नहीं है, तो पूरी मुमरा की औरतें, हमारी इतना मुझे मालूम है कि हमारी मुमरा की एक लेडीज़ 10 को भारी है, और हर गली मोहल्ले में कांग्रेस को इंशाल्लाह लाएंगे, सिर्फ हमको टिकट की ज़रूरत है। हाँ तो हाँ, ये नासिर भाई जो है नौजवान बहुत ही सजेले और बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे है ये, और मेरे ख्याल से अगर ये कांग्रेस में जॉइंट हुए तो ये काम करने की हिम्मत रख रहे और ऐसा काम करके दिखाएंगे कि शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि मेरी दुआएं इनके साथ है, और आज मैं कांग्रेस में पहले से ही हूँ, जैसे राष्ट्रवादी से आज मैं कांग्रेस में प्रवेश हुई हूँ, हमारी फातिमा आपा, मैं इनको आपा तो नहीं कहूँगी, फातिमा मैडम, इन्होंने सोए हुए शहर को जगा दिया है और मैं जाग गई हूँ, तो आज जो ये कांग्रेस पार्टी है इसको हमको बढ़ाने का और सारी दुनिया पे छाने के लिए हम सबको मिलके
इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हमको सब एक साथ होना है। बिल्कुल, ऐसा साथ नहीं कि ये मैं नहीं आई तू, ये नहीं, एक औरत अगर घर से निकलती है तो दो को तो लेके निकलती है, क्योंकि एक घर में चार परिवार की जगह आठ परिवार होते हैं। तो हमें जहाँ तक हो सके बहुमत से कांग्रेस को जिताना है, और नासिर ये मेरी दुआ है कि तुमको आगे बढ़ाना है। जैसे नईम खान जी ने भी कहा था और मैं भी यही कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये मालूम पड़ेगा कि विनाश को विकास में कैसे तब्दील करती है कांग्रेस। और इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।